देखो, मेरा नाम सोनी है, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मेरा अब एक बेटा है और मेरी एक अरेंज मैरिज थी। मेरे हस्बैंड के साथ मेरे कभी कोई मसले मसाइल नहीं रहे। मेरे मसले तब पैदा होना शुरू हुए जब मैंने अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेना शुरू की, तो वो चीज़ मेरी सास को पसंद नहीं आई। फिर जब बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने मुझे बात बात पे चेक करना शुरू कर दिया कि जिस तरह मैं उसकी परवरिश कर रही हूँ वो तरीका मुनासिब नहीं है। इस वजह से, एक कांस्टेंट चेक में रहने की वजह से, मेरे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन और एक गुस्सा पैदा होना शुरू हो गया था। जब मैंने हस्बैंड से ये बातें शेयर की तो, क्योंकि वो अपनी वालदा से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते थे, वो भी एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना शुरू हो गए। इसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप में, हमारे रिश्ते में काफ़ी तनाव पैदा हो गया। मैं चाहती थी कि हमारी सिचुएशन वैसे ही हो जाए जैसे पहले थी, हम खुशी से रहते थे। तो मुझे किसी ने डॉक्टर शेरियार, माइंड प्रोफेशनल्स का सजेस्ट किया कि वहाँ से थेरेपी कराओ। मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन मैंने कहा कि अब कोई तो मुझे वे आउट निकालना है अपने रिलेशनशिप को बचाने का। तो मैंने डॉक्टर शेरियार से रब्ता किया, उन्होंने हमारे कुछ थेरेपी सेशंस किए और अल्हम्दुलिल्लाह एकदम तो चेंज नहीं आया, लेकिन अब हालात पहले से बहुत बेहतर हैं और मुझे खुद फील होता है कि हमारे रिश्ते में बहुत बहुत बेहतरी आई है।